हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ क्रेज चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 6 साल बच्चे के लिए लहंगा कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। लहंगा के लिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है। वन साइड बॉर्डर है, 6 साल बच्चे के लिए मैंने 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। मैंने मैचिंग लाइनिंग भी लिया है, 1.5 मीटर लाइनिंग की कपड़े लिया है मैंने। पहले हम मेन फैब्रिक पे लहंगा की लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। अभी हम लहंगे के लिए लेंथ की मार्किंग करेंगे। इस लहंगा की लेंथ है 25 इंचेस, 2 इंच ऊपर कमर पट्टी आएगी नेफा के लिए। 25 माइनस 2 इंच 23 इंच हुआ, 1 इंच एक्स्ट्रा फॉर सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली मैंने 24 इंच पे लहंगा की लेंथ को मार्क किया है। अभी हम इसको कट कर देंगे। मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। टोटली 1.80 मीटर है, मींस 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम लाइनिंग पे मार्किंग और कटिंग करेंगे लहंगा के लिए। लाइनिंग की कपड़े को भी मैंने 4 फोल्ड किया है। मेन फैब्रिक से 1 इंच कम कर देंगे लाइनिंग की कपड़े को। मैंने 23 इंच पे मार्क कर दिया है लाइनिंग के कपड़े को। अभी हम इसको कट कर देंगे। लाइनिंग के कपड़े 1.5 मीटर है। इसके लिए मेन फैब्रिक के इक्वल करना है हमें। मेन फैब्रिक के कपड़े 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। इसके लिए और 30 सेंटीमीटर हमें जॉइंट करना है लाइनिंग के कपड़े पे। इसलिए बचे हुए लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह जॉइंट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे कट करके। इसमें हम बचे हुए कपड़े को जॉइंट करके मेन फैब्रिक के इक्वल करना है हमें। लहंगा की कटिंग अभी पूरा हो चुका है। इसके बाद हम नेफा के लिए कटिंग करेंगे। मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। इस लहंगा की कमर है 22 इंचेस, इसका आधा हुआ 11 इंचेस, क्योंकि मैंने डबल फोल्ड किया है। 11 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे लूजनेस के लिए और फोल्ड करके सिलाई करने के लिए। टोटली मैंने 13 इंच पे मार्क किया है। अभी हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम 2 इंच की पट्टी बनाना है हमें, इसको डबल फोल्ड करना है। इसके लिए हमें 4 इंचेस की बेल्ट चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा फॉर सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली मैंने 5 इंच पे मेन फैब्रिक को कट किया है। सेम साइज़ के हम लाइनिंग के कपड़े भी लेंगे। मैंने लाइनिंग कपड़े को डबल फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा लाइनिंग कपड़े को हम कट कर देंगे। लाइनिंग के कपड़े भी 2 है और मेन फैब्रिक के कपड़े भी 2 है। दोनों पीसेस को हमें जॉइन करना है सिलाई करके। अभी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। लहंगा की कटिंग अभी पूरा हो चुका है, अभी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहले हम कमर की पट्टी को रेडी करेंगे। दोनों पीसेस को स्टिच करना है हमें। पहले इस तरह मैंने पहले लाइनिंग कपड़े लिया है, इसके बाद मेन फैब्रिक को सीधा रख दिया है। इसके ऊपर मेन फैब्रिक को
उल्टा रख दिया है और लाइनिंग कपड़े को रख दिया है। चारों पीसेस को हमें जॉइंट करना है। अभी मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों को अलग अलग भी जॉइंट कर सकते हैं हम। मैंने चारों पीसेस को एक ही साथ जॉइंट कर दिया है इस तरह। ऊपर एक लाइन स्टिच डाल देंगे। इसके बाद हम बेल्ट की दोनों साइड्स को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके स्टिच डाल देंगे। मैंने बेल्ट की दोनों साइड्स को इस तरह फोल्ड करके जॉइंट कर दिया है। अभी बेल्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लाइनिंग के कपड़े को जॉइंट कर देंगे। इस तरह मैंने लाइनिंग के कपड़े को जॉइंट कर दिया है। इसके बाद लाइनिंग के कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरह रखेंगे और ऊपर एक लाइन स्टिच डाल देंगे दोनों को जॉइंट करने के लिए। लाइनिंग के कपड़े और मेन फैब्रिक दोनों को मैंने स्टिच करके जॉइंट कर रही हूँ। अभी मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह जॉइंट कर दिया है ऊपर साइड। इसके बाद कमर पट्टी के नीचे लहंगे के कपड़े को इस तरह फोल्ड्स बना के प्लेट्स बना के हमें जॉइंट करना है। इस तरह हम प्लेट्स बना लेंगे बेल्ट के नीचे। बेल्ट को मैंने सीधा रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लहंगा के कपड़े को उल्टा रखें दोनों साइड्स को फोल्ड करके इस तरह प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह मैंने बेल्ट के ऊपर प्लेट्स बना लिया है। मैंने 4 साल बच्चे के लिए अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो भी बना लिया है। मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है लेडीज क्रेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो की लिंक मैं दे दूंगी। लहंगा की दोनों एंड्स को इस तरह फोल्ड करके स्टिच करना है हमें। मैंने प्लेट्स बना लिया है बेल्ट के नीचे। इस तरह प्लेट्स बना लिया है। इसके बाद हम कमर पट्टी को फोल्ड करके स्टिच करना है नेफा डालने के लिए। इस तरह हमें पट्टी को फोल्ड करना है और ऊपर एक लाइन स्टिच डाल देंगे। इस तरह हमें पट्टी को लहंगा की उल्टी तरफ से फोल्ड करके ऊपर एक लाइन स्टिच डालना है हमें। अभी हम इसके ऊपर स्टिच डाल देंगे फोल्ड करने के बाद।
इसके बाद हम लहंगा की दोनों एंड्स को इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके 2 से 2.5 इंच तक स्टिच करना है हमें। मैंने दोनों साइड 2-2 इंच फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है इस तरह। दोनों साइड्स को फोल्ड करके स्टिच करने के बाद इसके बाद हम लहंगा की दोनों साइड्स को जॉइंट करना है। ऊपर 2 इंच छोड़ के हमें नीचे स्टिच करना है। हमने पहले ही ऊपर 2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लहंगे के ऊपर क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे। अभी लहंगा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। 6 साल बच्चे के लिए हमने लहंगा कट करके स्टिच कर दिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लेडीज ग्रेस। आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है मोर वीडियोज़ करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।